हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं हमारी एस इमेज को एकदम ऐसा। तो आप वीडियो में पूरे बने रहें और देखते रहें एंड तक। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके देन आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे कोई सी भी अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसपे आप अपनी इमेज को इस तरीके से बनाना चाहते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे कोई सी भी इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस इमेज को यहाँ पे एडिट करने के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल्स के सेक्शन पे जाके एडजस्ट के सेक्शन पे आपको सिंपली चले जाना है। देन आपको यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्लियरिटी, सेचुरेशन मिलेंगी। हम इनको सेट कर लेते हैं ताकि हमारी कह सकते हो लाइट की फिल्ट्रेशन अच्छी हो सके। तो सबसे पहले हमें ब्राइटनेस को रख लेना है 25 नेगेटिव का, तो हम रख लेते हैं इसको। देन आपको कॉन्ट्रास्ट को रख लेना है 20 पॉजिटिव का, ताकि इसमें थोड़ी सी आप कह सकते हो डार्कनेस भी आ सके। देन क्लियरिटी को आप रहने दो, सेचुरेशन को आप रख दो 35। तो मैं इसको सिंपली 35 पर एडजस्ट कर देता हूँ। हुई को आपने छेड़ना, हुई को आप छेड़ोगे तो कलर इसमें चेंज हो जाएगा पूरा ही, ग्रीन येलो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम हाईलाइट्स पे चले जाते हैं। हाईलाइट्स को आपको रख लेना है नेगेटिव का 30, तो ये मैंने रख दिया नेगेटिव का 30। और देन आपको शेडो मिलेगा, शेडो को भी आपको रख लेना है 35 पॉजिटिव का, ओके। देन टेम्परेचर को हम रख लेंगे माइनस का 30, ओके। अगर आपको नहीं पता चला कि मैंने क्या क्या लिखा या क्या क्या किया, तो साइड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इतना करने के बाद इस सेटिंग्स को आप क्या कर दो, राइट पे टिक कर दो। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो को ऐड करनी है जिसमें एकदम आपको एक ब्यूटीफुल सा आप कह सकते हो सिनहरी या आप कह सकते हो एकदम स्काई हो, जिस फोटो को आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस वाली इमेज को यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसी इमेज है। हम क्या करेंगे इसमें, जो कि नीचे आपको पानी दिखाई दे रहा है जो कि आ रहा है बीच के ऊपर, हम क्या करेंगे उसको सिंपली क्रॉप के सेक्शन पे जाके इसको क्रॉप कर लेंगे। हमें सिर्फ आसमान चाहिए, हमें सिर्फ कह सकते हो स्काई जो इतना अच्छा लग रहा है वो हम इसमें टचअप देने वाले हैं जो कि अच्छा लगेगा। तो आप सिंपली इसको क्रॉप कर लो अपने अनुसार, क्योंकि आप अपनी इमेज कोई सी भी लेने वाले हो मन मुताबिक। अगर आपको यही इमेज चाहिए तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन ना लो। तो आप इसको एकदम बड़ा करके एडजस्ट कर लो कहाँ तक रखना चाहते हो आप। प्लीज़ इसको अभी है ना, जो नीचे पानी दिख रहा है ना उसमें आप एकदम ऐड मत करो, इसको ही हम वापस से ऐड करेंगे और इसको ना एकदम ऐसे इफेक्ट में डालेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये पानी में रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप नहीं समझ रहे तो आप टेंशन ना लो, मैं आपको समझा दूँगा। सबसे पहले हम इसको एकदम बड़ा करते हैं और इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो गाइज, आप जैसे इमेज को सेटअप कर लो, देन आप क्या करो, यहाँ पे आपको एक ऊपर ही इरेजर देखने को मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करो। देन आपको यहाँ पे इरेजर के सेक्शन पे जाके आपको यहाँ पे एक मिलेगी हार्डनेस, साइज़ और एन ओपेसिटी। साइज़ को तो आप रख लो कुछ 25 अराउंड, वो आप चेंज करते रहना जब आप इसको इरेज करोगे। हार्डनेस आप एकदम 100 पर सेट कर दो। अब इसको जूम आउट करके या आप जूम इन करके इसको क्या करो, एकदम ऐसे कह सकते हो कटआउट या इरेज कर लो। सिर्फ हमें क्या दिखना है, एकदम पर्सन जो भी आपने लिया है इमेज को वही हमें दिखाना है। तो बाकी हम चीज़ इरेज कर लेते हैं। तो ये लो, अगर आपको लगे कि आपने ज़्यादा इरेज कर दिया तो आप यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करके, यानी इस पेंसिल आइकन या ब्रश के आइकन पे आप इसको वापस से ऐसे रीस्टोर करके भी आप इसको सेट कर सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इमेज को एकदम अच्छे से सेटअप कर लेते हैं। जो आपको ये साइड साइड में दिख रहा है इसको हमें एकदम अच्छे से डालना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं वीडियो को एकदम के लिए फास्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो गाइज, आप जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरी इमेज को एकदम सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो एकदम राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हम एक और इमेज को यहाँ पे ऐड करेंगे। मेरे कहने का मतलब है इसी इमेज को हम वापस से ऐड करेंगे ऐड फोटोज़ पे जाके। तो सिंपली आप इसको वापस से ऐड करो। अब आप बोल रहे हो हम इसको वापस से ऐड क्यों कर रहे हैं भला, तो आप देखना होगा क्या, एक्चुअली जो हमने नीचे पानी को छोड़ा था ना, तो हम उस पर एकदम ऐसे रिफ्लेक्शन देंगे इस ऊपर वाली स्काई वाली इमेज का। वापस से आप उसी तरीके से इसको क्रॉप कर लो। देन आपको क्या करना है, इसको एकदम ऐसे फ्लिप कर लेना है, ऊपर वाले आइकन को क्लिक या फिर आप कह सकते हो दबाए रख के। देन हम इसकी साइज़ को इनक्रीज़ करते हैं। देन हम इसको इस तरीके से सेटअप कर लेते हैं कुछ आप कह सकते हो। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, है ना।
इसके बाद थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। देन आपको एडजस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको ब्राइटनेस को सिर्फ क्या कर लेना है, माइनस का 30 तक रख लेना है। देन इसको आप ब्राइट पे क्लिक कर दो, देन आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा, या आप कह सकते हो इफेक्ट्स, तो यहाँ पे आपको एक ब्लर का कह सकते हो इफेक्ट मिलेगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करके एक बार वापस से क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ सेटिंग्स आएंगी ब्लर की। तो फेड को तो आप जीरो रहने दो, ब्लर को आप क्या कर दो 5 तक सेटअप कर दो। देन आपको यहाँ पे आप कह सकते हो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुछ सेटिंग्स को टचअप देने वाला, उसको आप क्लिक करो। देन आप यहाँ पे एक मोशन ब्लर आता है, उसको आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करके डिस्टेंस को आप रख दो 80 तक, और देन फेड को आप रख दो 0 पर। इससे करोगे तो ये एक्चुअली पानी का एक आप कह सकते हो इफेक्ट टाइप का लगेगा, जो कि एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी आप देखो हम आगे क्या करेंगे, हम आगे अब इसको तो एक बार के लिए राइट कर देते हैं। देन हम ओपासिटी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप उसको 75 अराउंड रख लो। देखो अच्छा लग रहा है ना, अब है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे ऊपर इरेजर के ऑप्शन पे, और देन वापस से हम इरेज पे जाएंगे, और यहाँ पे हार्डनेस को हम एकदम 100 कर देंगे, और साइज को आप 25 तक रख लो, या कितनी भी आप छोटी बड़ी कर लो, ताकि आप इसको अच्छे से कटअप कर सको। तो हमें वापस इसको इरेज कर लेना है, अगर वापस से आपकी कहीं ज़्यादा इरेज हो जाए तो आप रीस्टोर पे जाके उसको सिंपली वापस से ठीक कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसको इरेज कर लेता हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से एकदम इरेज कर लिया है। तो देखो आपकी पिक्चर अब बनके तैयार हो गई है। तो इतना इजी था इसको बनाना, तो अब भी आप सीख गए होंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सिंपली इसको राइट करो और वापस एक बार राइट करो, तो आपकी इमेज एकदम ऐसे क्लियर होके आ चुकी है। देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है पानी। तो अगर आप इसको और एडजस्ट करना चाहो तो टूल्स के सेक्शन पर जाके, एडजस्ट पे सेक्शन पर जाके स्कोर भी अपने अनुसार आप क्लियरिटी या सेचुरेशन को बढ़ा चढ़ा के आप कुछ भी कर सकते हो, जो कि एकदम मस्त लग रहा है यार देखने में, कुछ भी बोलो, है ना। तो देन आप जैसे आपकी इमेज एकदम पूरी फुल रेडी हो जाए, आप सिंपली यहाँ पे सेव के आइकन पे क्लिक करके अपनी इमेज को सिंपली अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो गाइज यही था आज के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, और हाँ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।